भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर चंद्रपुर महानगर पालिका के उप महापौर और भाजपा नेता श्री राहुल पावड़े की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के चंद्रपुर जिला शहर अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। अनुसूचित जनजाति की अधिक आबादी वाले 8 जिलों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सीधी सेवा में भर्ती के लिए ओबीसी के संशोधित आरक्षण को निर्धारित करने के लिए कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री छगन भुजबल और ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार ने की। इससे पालघर, नासिक, धुले, नंदुरबार, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, रायगढ़ जैसे 8 जिलों में ओबीसी का आरक्षण बढ़ गया है। ओबीसी के आरक्षण को पूर्ववत करने के लिए ओबीसी का राष्ट्रीय संघ लंबे समय से लड़ रहा है। यदि राज्य के 8 जिलों में ओबीसी का आरक्षण पूर्ववत किया जाता है तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार की एक बड़ी सफलता होगी। इस संबंध में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, आवास मंत्री आदि ने गणमान्य व्यक्तियों को निवेदन देकर आंदोलन का संकेत दिया था। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए गढ़चिरौली जिले सहित 7 जिलों में कक्षा 3 और 4 के लिए ओबीसी की सीधी सेवा भर्ती के लिए आरक्षण 18 जून 1994, 1997 और अगस्त के सरकारी संकल्प के अनुसार 19% से कम कर दिया गया था। गढ़चिरौली जिले में क्रमशः 6%, चंद्रपुर जिले में 11%, यवतमाल जिले में 14%, नासिक, धुले, नंदुरबार, पालघर और रायगढ़ जिले में 9% था। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में 8 जिलों में ग्रुप सी और ग्रुप डी में सीधी सेवा की भर्ती के लिए ओबीसी के संशोधित आरक्षण को तय करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन ने समय समय पर यह भी मांग की है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी को ओबीसी के लिए आरक्षण को घटाकर 19% करना चाहिए और कक्षा 3 और 4 के लिए भर्ती करना चाहिए। लंबे समय तक पत्राचार भी किया गया था। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की मांग को बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी के अध्यक्ष बबन राव तायवड़े, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक जिपतोड़े, सुभाष घाटे, डॉक्टर प्रकाश भागीरथ, शेषराव येलेकर, प्रदीप वडाफले, दिनेश चोखरे, विजय पिदुरकर, बबन राव फंड, चेतन शिंदे, बबन राव वानखेड़े, श्याम लेडे, कल्पना मानकर ने विशेष प्रयास किए हैं। सभी ओबीसी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार को धन्यवाद दिया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर नगर सेवक व भाजपा नेता श्री सुभाष कासम गुट्टुआर की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सोमैया पॉलिटेक्निक चंद्रपुर, अबाउट द स्ट्रगल यू आर इन टुडे, डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। फैसिलिटीज, कॉलेज एंड हॉस्टल कैंपस, गर्ल्स हॉस्टल विद एसी, बॉयज हॉस्टल विद एसी, डाउन सेंटर, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches, mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent Polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education, Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 866-84-57194 and 75880-7141. चंद्रपुर जिला राकापा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक चंद्रपुर के राधाकृष्ण हॉल में हुई। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महबूब भाई शेख, युवा जिलाध्यक्ष रविकांत बारपे, युवा प्रदेश के ओबीसी नेता जीव तोड़े साहब, अरुण अजबे, नगर जिलाध्यक्ष राजीव कक्कड़, बाबा साहब वासाडे, ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने की। इन सभी को शॉल, नारियल और स्मृति चिन्ह दिए गए। राष्ट्रपति और उनके पदाधिकारियों का अभिनंदन। कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक नितिन भटारकर ने अपने परिचयात्मक भाषण में जिला युवा पदाधिकारियों की समस्या और उनके कार्यों की रिपोर्ट पेश की। उसके बाद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मार्गदर्शन कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद युवा प्रदेश अध्यक्ष महबूब शेख की मौजूदगी में जिले के कई युवा राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस में शामिल हो गए।
उसके बाद अपने अध्यक्षीय भाषण में महबूब भाई शेख ने पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का वादा किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देख प्रदेश अध्यक्ष ने युवा जिलाध्यक्ष नितिन भटारकर के कार्यों की सराहना की और उन्हें इस तरह के महान कार्य जारी रखने की कामना की। समारोह और चंद्रपुर जिले के प्रिय संपर्क मंत्री प्रजाकत तनपुरे साहब के जन्मदिन के अवसर पर महबूब भाई शेख के हाथों एनसीपी युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नितिन भटारकर द्वारा औपचारिक रूप से एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी धारा हटा के दिखाया, इनकी जबान जो बोले वो किए, ऐसे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 23 वर्षों से शिवसेना के कब्जे वाले भद्रावती नगर परिषद के भद्रावती किले में कांग्रेस के कब्जे का प्रयास कुछ तकनीकी कारणों से विफल रहा। हालांकि वरोड़ा नगर पालिका में शिवसेना के सभी पार्षद निर्वाचन क्षेत्र में दोनों कृषि बाजार समितियों के अध्यक्ष कुछ सरपंच और पदाधिकारी कल कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं भाजपा के तीनों पार्षद कांग्रेसी बने और इस मौके पर कांग्रेस ने भाजपा मुक्त भद्रावती का कार्य किया। कांग्रेस सांसद बालू धनोरकर और विधायक प्रतिभा धनोरकर की पहल पर भद्रावती में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्हें अचानक दिल्ली से बुलाया गया, इसलिए उन्होंने सभी नियोजित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। इस कार्यक्रम के मौके पर पिछले हफ्ते से ही भद्रावती के शिवसेना नगराध्यक्ष अनिल धनोरकर और पार्षदों के कांग्रेस में प्रवेश पर चर्चा हो रही थी, मगर कुछ नगर सेवकों ने शिवसेना के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी। 28 सदस्यीय इस में शिवसेना के 17 पार्षद हैं। एंटी माइग्रेशन एक्ट के तहत कार्यवाही रोकने के लिए नया ग्रुप बनाने का प्रयास किया गया। इसके लिए 2/3 पार्षदों की जरूरत थी, लेकिन संख्या कम हो गई, इसलिए अयोग्यता कार्यवाही से बचने के लिए पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उधर भद्रावती नगर पालिका में भाजपा के 4 में से 3 पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वरुणा नगर पालिका से शिवसेना समूह के नेता गजानन मेश्राम सहित शिवसेना के 7 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। वरुणा और भद्रावती कृषि बाजार समितियों पर शिवसेना का झंडा था। इन दोनों बाजार समितियों की अध्यक्षता अब कांग्रेसियों ने पाली है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के कार्यक्रम में पूरे समय भद्रावती शिवसेना के नगराध्यक्ष अनिल धनोरकर और कुछ पार्षद मौजूद रहे।